नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज लाइव राजस्थान में। आप देख रहे हैं इस वक्त राजधानी के बड़ी खबर। झोटवाड़ा के रिश्वत केस में 6 महीनों से फरार आरोपी एसीपी आस मोहम्मद ने कोटा में किया सरेंडर। अनुसंधान अधिकारी ठाकुर चंद्रशील के समक्ष किया सरेंडर। जल्द ही भगोड़ा घोषित करने की तैयारी में थी एसीपी। पुलिस कमिश्नरेट झोटवाड़ा थाने के हाई प्रोफाइल घुसकांड में 6 महीने से फरार एसीपी आस मोहम्मद ने शुक्रवार को कोटा में अनुसंधान अधिकारी एसपी ठाकुर चंद्रशील के समक्ष सरेंडर कर दिया। करीब 1 माह पहले ही केस का अनुसंधान एसीपी कोटा के प्रभारी एएसपी ठाकुर चंद्रशील को सौंपा गया था। उन्हें जल्द ही जयपुर लाया जाएगा, जहां कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। आपको बता दें कि 6 माह पहले ठगी के एक मुकदमे में 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में एसीपी झोटवाड़ा आस मोहम्मद का नाम सामने आया था, जिसमें जयपुर देहाता एसीपी के प्रभारी नरोत्तम वर्मा के निर्देशन में एक हेड कांस्टेबल बत्तू व दलाल सुमन सिंह को ट्रैप किया गया था। तब भनक लगने पर एसीपी आस मोहम्मद, झोटवाड़ा थाना प्रभारी प्रदीप चारण व सब इंस्पेक्टर रामलाल भूमिगत हो गए थे। केस का अनुसंधान एएसपी देशराज यादव को सौंपा गया था। बाद में जांच कोटा के एएसपी ठाकुर चंद्रशील को सौंपी गई। इसी बीच रिश्वत केस में फरार आरोपी आस मोहम्मद के पकड़े नहीं जाने पर एसीपी कड़ा शिकंजा कसने की तैयारी में थी। एसीपी ने हर स्तर पर आरोपी की तलाश की, लेकिन सुराग नहीं लग रहा। ऐसे में अब आरोपी को भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। सीआरपीसी की धारा 82-83 के तहत आस मोहम्मद को भगोड़ा यानी अधघोषित अपराधी घोषित कराने के लिए एसीपी कोर्ट ने आग्रह करने की तैयारी में थी। अब माना जा रहा है कि जल्द ही रिश्वत केस में फरार थाना प्रभारी प्रदीप चारण व सब इंस्पेक्टर रामलाल भी सरेंडर कर सकते हैं। यार